यस मैम, बहुत कम है आवाज। मैम आपकी आवाज एको कर रही है, बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रही। हाँ जी, अब आवाज आ रही है। यस मैम, जो एंटरप्राइज सिस्टम की फार्माकोलॉजी हम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं, थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स हैं, एड्रेनल ड्रग्स हैं, पैनक्रियाटिक ड्रग्स हैं। मैम बहुत ज्यादा कुछ रही है, इस तरह फिर कुछ भी समझ नहीं आ रही जो आप एक्सप्लेन कर रही हैं। बहुत ज्यादा गूंज रही है आवाज, मतलब कि इको इको वाली आवाज आ रही है। हाँ जी, गोनेडल हार्मोन्स हैं और उनके इनहिबिटर्स हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम वो है जो कंट्रोल कर रहा है बॉडी के मेनी फंक्शंस को। किस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, क्या होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रहा है रिलीजिंग को हार्मोन्स की किस तरह से, या इनहिबिट करके या उसकी सेक्रेशन को इंक्रीज करके। हार्मोन्स क्या चीज है? हार्मोन्स वो चीज है जो इफेक्ट करते हैं अदर बॉडी ऑर्गन्स में जाके या फिर ग्लैंड्स पे जाके, और उनसे जो भी उनका फंक्शन होता है वो अचीव करवाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमें बायोलॉजिकल नीड फील हुई है। जब हमें बायोलॉजिकल नीड फील होती है तो वो सिक्रीटरी सेल रिकॉग्नाइज करता है उस नीड को। जब वो उसको रीड करता है तो वहां पे आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रही। दो तरीके से होता है, होता क्या है कि यह हार्मोन रिलीज होता है या फिर हार्मोन की बायोसिंथेसिस होती है। रिलीज होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है, जब उसकी बायोसिंथेसिस हो रही है तो वहां पे वो स्टोर होता है या फिर वो रिलीज होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हार्मोन रिलीज हुआ, जाके टारगेट सेल पे क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। वहां पे इंटरैक्ट करके दो बातें होंगी, या तो डिग्रेड हो जाएगा जो एक्सेस होगा वो, या फिर वो टारगेट सेल को मॉडिफाई करेगा, उसकी एक्टिविटीज को मॉडिफाई करेगा। दो तरीके से होगा उसमें भी, या तो वहां पे लोकल इफेक्ट्स आएंगे या फिर वो अगेन फीडबैक सिग्नल सेंड करेगा। यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, सॉरी ग्लैंड्स आते हैं। हार्मोन क्या चीज है? हार्मोन वो चीज है जो एक जगह पे प्रोड्यूस होती है, वहां से रिलीज होती है और दूसरी जगह पे जाके एक्ट करती है। वो सब्सटेंस जो एक जगह से रिलीज हुआ है, रिलीज इन वन टिश्यू एंड ट्रेवल्स टू द सर्कुलेशन लीडिंग टू द टारगेट टिश्यू। होता क्या है कि जो हार्मोन रिलीज हुआ है वो ब्लड के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, लेकिन जो उसका टारगेट टिश्यू है सिर्फ अपना एक्शन वो वहीं पे शो करेगा, जाएगा वो हर जगह पे। हार्मोन रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट ओनली टारगेट सेल्स आर इक्विप्ड टू रिस्पॉन्ड। हार्मोन जो है वो स्मॉल अमाउंट में सीक्रीट होते हैं, मतलब कि स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट हो गया जितना उसका इफेक्ट चाहिए था उतना, या फिर बर्स्ट में सिक्रीट होते रहते हैं पल्स स्टाइल फैशन में। यानी कि थोड़ा सा रिलीज हुआ, फिर गैप आया 3-4 घंटे का, फिर रिलीज हुआ, फिर गैप आया, फिर 3-4 घंटे का गैप आया, फिर रिलीज हुआ, इस तरीके से होता है। क्या एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं जो मेंटेन कर रहा है? हार्मोन, हार्मोन क्या कर रहा है? इंटरनल होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है, सेल ग्रोथ में सपोर्ट कर रहा है, डेवलपमेंट में कोऑर्डिनेट कर रहा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? ग्रोथ होती है जब साइज इंक्रीज हो रहा है सेल्स का या बॉडी का, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट में क्या होता है कि मैच्योरिटी आ रही होती है एक सेल में या एक टिश्यू में, ऑर्गन में जो मैच्योरिटी आ रही होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। कोऑर्डिनेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, फर्टिलिटी में, सेक्सुअल फंक्शन में, और इसके अलावा रिस्पॉन्सेस जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए हमारी बॉडी देगी उनको फैसिलिटेट कर रहा है। फोर क्लासेस हैं हार्मोन्स की, पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स हो सकते हैं, स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, अमाइन्स हो सकते हैं और इकोसानोइड्स हो सकते हैं। जो पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन हमें पता है अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। इसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड से जो मिलकर बनी है वो 3 अमाइनो एसिड
या फिर 3 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स में हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स भी आ सकते हैं। स्टीरॉइड के फॉर्म में होते हैं, अमाइन्स होते हैं जिसमें थायराइड हॉर्मोन्स और कैटेकोलामीन्स हैं जो अमाइन फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा इकोसानोइड्स हैं जो कि फैटी एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। सॉल्युबिलिटी के हिसाब से देखें तो दो क्लासेस हैं, वाटर सॉल्युबल हैं और लिपिड सॉल्युबल हैं। जो वाटर सॉल्युबल है हमारे पास उसमें क्या होता है, उसमें अमाइन और एपिनेफ्रीन है। इसमें क्या चीज आ जाती है, अमाइन हॉर्मोन्स या फिर प्रोटीन हॉर्मोन्स आते हैं। होता क्या है कि वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सिक्रीट होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में फ्रीली ट्रेवल करते हैं और अपने टारगेट सेल पे जाते हैं। जबकि जो लिपिड सॉल्युबल है वो एक जगह से रिलीज हुए, ब्लड स्ट्रीम में आए, ब्लड स्ट्रीम में भी वो फ्रीली ट्रेवल नहीं करेंगे बल्कि किसी भी ब्लड स्ट्रीम में जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगी उनके साथ बाउंड करके ट्रेवल करेंगे और फिर अपने टारगेट सेल पे जाएंगे और वहां पे जाके सेल की लिपिड बायलेयर में से डिफ्यूज होके अंदर जाएंगे, वहां पे एक्ट करेंगे। किस तरीके से, ये ग्लैंड है, यहाँ से हॉर्मोन रिलीज हुआ है जो कि वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन था। हॉर्मोन रिलीज हुआ, ब्लड स्ट्रीम में आया, ब्लड स्ट्रीम में फ्रीली ट्रेवल किया है, टारगेट सेल पे आया, वहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट था, उसके ऊपर आके अटैच हो गया और अपना एक्शन शुरू किया उसने। दूसरे केस में क्या हो रहा है, जो कि लिपिड सॉल्युबल है उनमें क्या हो रहा है, जो वाटर इनसॉल्युबल है इसमें यहाँ पे रिलीज हुआ है जो कि फैट सॉल्युबल हॉर्मोन है। ब्लड स्ट्रीम में आया, ब्लड स्ट्रीम में बजाय फ्रीली ट्रेवल करने के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ अटैच होके ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करेंगे। आगे आएंगे टारगेट सेल पे, टारगेट सेल में रिसेप्टर सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है बल्कि टारगेट सेल में आने के बाद ये जो लिपिड बायलेयर होती है सेल की उसे क्रॉस करेंगे, उसे क्रॉस करके अंदर की तरफ आए और यहाँ पे आके जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा इस पे एक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली क्या चीज है, यहाँ पे ये देखेंगे यहाँ पे रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट था, सेल सरफेस पे। ठीक है, इन केस ऑफ वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स यहाँ पे रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस में जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में होगा या न्यूक्लियस में होगा। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तक वही हॉर्मोन्स पहुंचेंगे जो फैट सॉल्युबल होंगे क्योंकि वो यहाँ से लिपिड बायलेयर क्रॉस कर दिया। ठीक है, समझ आ रही है? Yes, ma'am. अब हम देखते हैं कि रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं। सेल सरफेस पे जो कि अभी हमने देखा उसमें पेप्टाइड हो सकते हैं और प्रोटीन हो सकते हैं। साइटोप्लाज्म में जो कि स्टीरॉइड्स हैं और न्यूक्लियस में जो कि थायराइड हॉर्मोन्स हैं। मैकेनिज्म क्या है एंडोक्राइन डिजीज का, एंडोक्राइन डिजीज किस केस में होगी, जो भी हॉर्मोन रिलीज हो रहे हैं या तो उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, हॉर्मोन कम रिलीज हो रहा है या रिलीज ही नहीं होगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। हॉर्मोन की एक्सेस हो जाएगी, बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा होगा, या फिर हॉर्मोन रिलीज तो हो रहा है लेकिन अपना असर नहीं कर रहा क्योंकि उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, उसकी अमाउंट तो बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन उसके रिसेप्टर्स जो है उन्होंने उसको सेंस करना छोड़ दिए। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी उस केस में हम क्या करेंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, यानी कि बाहर से हम हार्मोन की रिप्लेसमेंट कोई बॉडी में एंटर करवाएंगे। हार्मोन की एक्सेस हो जाएगी तो हम एंटागोनिस्ट्स देंगे या फिर इनहिबिटर्स को रिलीज करवाएंगे कि वो उस हार्मोन को सप्रेस करें। हार्मोन की रेजिस्टेंस हो जाएगी तो हम सेंसिटाइजर्स देंगे। सेंसिटाइजर्स क्या चीज है, जो कि रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को बढ़ा देंगे और जो टारगेट टिश्यू है वो जो हमने अभी बात की कि हॉर्मोन बॉडी में प्रेजेंट होगा लेकिन वो टारगेट टिश्यू पे एक्ट नहीं कर रहा होगा, उसे क्या हो जाओगे कि रिसेप्टर्स इसको रिसीव नहीं करे, डीसेंसिटाइज हो गए हैं, उसके लिए रेजिस्टेंट हो गए हैं, तो सेंसिटाइजर्स देने से उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी और वो उसको सेंस करके एक्शन शो कर देंगे। तो हम जो कोई भी ड्रग्स इस केस में पढ़ेंगे या तो वो रिप्लेसमेंट थेरेपी होंगी या वो एंटागोनिस्ट्स होंगी या वो सेंसिटाइजर्स होंगे। ठीक है, अब हमें बाहर से हार्मोन देना है तो हम किस तरीके से दे रहे हैं, जो हमारी बॉडी खुद से बना रही है वो तो अंदर ही है लेकिन हमें अगर किसी डिजीज की केस में हमें कोई एंटागोनिस्ट देना है या हार्मोन देना है तो उसका क्या सोर्स होगा, ह्यूमन सोर्सेज से लेते हैं हम, जिसमें ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन आ जाती है। एनिमल सोर्सेज से लेते हैं, उसमें इंसुलिन है, T3 है और T4 है। जो बायोसिंथेटिकली हमने बनाया है उसमें इंसुलिन है जिसमें प्रोटीन और बोबीन आ गए हैं, पर सिंथेटिक जो है वो हमने डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाया है,
उसमें मोस्ट हॉर्मोन्स है और उनके एंटागोनिस्ट्स हैं, ये हमने खुद प्रिपेयर की है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अब हम आगे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी हॉर्मोन से। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, ये हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस जो है वो सीक्रेट करता है हॉर्मोन्स जो कि जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हिस्सों में होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका डायरेक्ट वो है पोर्टल सिस्टम के साथ, और जो दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसका न्यूरोनल है, ये हमने लास्ट टाइम देखा। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो आउटपुट है वो रेगुलेट करती है किसके फंक्शंस को, थायराइड के, एड्रिनल ग्लैंड के, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के, उसके अलावा सोमेटिक ग्रोथ को कंट्रोल कर रही है, लैक्टेशन को, मिल्क सेक्रेशन को, वाटर मेटाबॉलिज्म को। हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स जो है या तो उनका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होगा या इनहिबिटिंग इफेक्ट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। अगर स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होगा तो उन हॉर्मोन्स को हम कहेंगे रिलीजिंग हॉर्मोन्स, और अगर इनहिबिटिंग इफेक्ट होगा तो उन हॉर्मोन्स को हम कहेंगे इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो एरियाज हैं जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहां पे ये वाले हॉर्मोन्स, वहां पे ये हॉर्मोन्स बन रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं। कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहां पे हार्मोन बन नहीं रहा, सिंथेसाइज नहीं हो रहा, बल्कि हार्मोन बन रहा है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से वो नीचे आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहां पे स्टोर हो रहा है और वहां से सिक्रीट हो रहा है। कौन कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायुरेटिक हार्मोन। किस तरह से हो रहा है? ये हमारे पास आया पैटर्न एंटीरियर पिट्यूटरी का और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या हुआ है कि हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, सिंथेसाइज किए और वो उसने नीचे भेज दिए। यहाँ पे हाइपोथैलेमस रिलीजिंग एंड हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी स्टॉक में आए वाया हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। नीचे आके क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन और हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन्स ने अपना अपना एक्शन शो किया, या पिट्यूटरी हार्मोन्स को इंक्रीज करवाया या डिक्रीज करवाया रिस्पेक्टिवली, जो भी उनका काम था, और वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स रिलीज हुए। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के केस में क्या हो रहा है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो कि ये है या पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, इन दो न्यूक्लियसेस में ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन सिंथेसाइज हुई है, बनी है। ठीक है, वहां पे बनी, ये हार्मोन्स नीचे आए, ट्रेवल डाउन द स्टॉक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डाउन द पिट्यूटरी स्टॉक आए, यहाँ पे आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो गए हैं और फिर यहाँ से ये रिलीज हुए हैं टर्मिनल बटन से। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है कि क्या डिफरेंस है एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कंट्रोल में। जी बच्चों समझ आई है? यस मैम आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो है एंटीरियर पिट्यूटरी के, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से आके स्टोर होते हैं ये वहां से। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने वाला और ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट कराने वाला हार्मोन, ये दोनों, और सोमेटोस्टैटिन, ये तीनों एक्ट कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन पे जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। यानी हाइपोथैलेमस से इन ये तीनों में से कोई हार्मोन अगर रिलीज होगा तो इंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके ग्रोथ हार्मोन पे एक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाके एक्ट करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कॉर्टिकोट्रोपिन को रिलीज कराने वाला हार्मोन एसीटीएच पे जाके एक्ट करेगा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी के एफएसएस और एलएच पे जाके एक्ट करेगा, और डोपामिन हाइपोथैलेमस से रिलीज होके इंटीरियर पिट्यूटरी के प्रोलैक्टिन पे जाके एक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज समझ आई है? यस मैम। आगे चलते हैं हम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पे।
ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन एंड सोमेटोस्टेटिन, ये तीनों थे। ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन के साथ मिलकर ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कंट्रोल कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस से पल्सटाइल फैशन में रिलीज होता है, पल्सटाइल फैशन की हमने बात की थी, थोड़ा सा रिलीज हुआ फिर स्टॉप हो गया फिर रिलीज हुआ। 5 to 9 मेजर पल्सेस पर डे रिलीज होती है, यानी दिन में 5 दफा या 9 दफा रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जो है, अगर हमने उसे एनहांस करना है तो क्या करेंगे, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट देंगे जिनमें क्लोनिडीन आ जाता है या फिर ओपियोइड्स आ जाती है। ठीक है, इसको हमने रिलीज, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कराया है हमने, इसका मतलब है कि हमारे, हम अपने ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना चाहते हैं। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन के रिलीज को और इंक्रीज करने के लिए एक और क्या तरीका है, विग्रस एक्सरसाइज से होता है। डायग्नोस्टिक यूजेस क्या है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन के, इसमें क्या होगा कि अगर हमने ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन किसी को दिया है तो इसका मतलब है कि वी वांट के ग्रोथ हार्मोन का रिलीज इंक्रीज हो जाए। अब अगर एक पेशेंट है और हमें उसमें नजर आ रहा है कि इसमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो हम उसमें ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन देंगे, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि इसमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है तो डिफेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में भी हो सकता है और हाइपोथैलेमस में भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन ही प्रोड्यूस ना हो रहा पिट्यूटरी ग्लैंड से, या फिर ये के पीछे से ग्रोथ हार्मोन को सिग्नल ही नहीं आ रहा ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन का हाइपोथैलेमस से कि उसको रिलीज कराओ, इसलिए हम ये पिट्यूटरी फंक्शन टेस्ट हो जाता है जिनमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी कुड रिफ्लेक्ट ईदर अ हाइपोथैलेमिक और अ पिट्यूटरी डिफेक्ट। होगा क्या कि अगर हाइपोथैलेमस में डिफेक्ट होगा, मैं आपको ये जी बच्चों बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी है। ठीक है, नीचे ही बना दिया मैं, हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी है। यहां से होता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जबकि यहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई है, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई है बॉडी में। ठीक है, अब हमने बाहर से दिया अब हमने ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी का मतलब यह है कि हो सकता है यहाँ से सिक्रीट ही ना हो रहा हो, यहाँ पे असर आया हो या फिर यहाँ पे असर आया हो। अब दो ही रीजन हो सकती है ना, या तो पिट्यूटरी से ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा या फिर पीछे से सिग्नल नहीं आ रहा तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड तो इंटैक्ट है लेकिन पीछे से ही सिग्नल नहीं आ रहा। अब क्या होगा अगर प्राइमरी डिफेक्ट हाइपोथैलेमस में होगा, हमने दिया ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन हमने बाहर से बॉडी में डाल दिया। ठीक है, अगर डिफेक्ट इस लेवल पे था, यहाँ पे लेवल पे था तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन आ गया, जब इसके आने से पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, यहाँ पे देखें If primary defect is hypothalamic, जो कि most common होता है, तो growth hormone, releasing hormone हमने बाहर से जो दी है वो increase कर देगा growth hormone के release को। ठीक है, यानी कि growth hormone, releasing hormone बाहर से देने से ये मामला solve हो जाएगा। लेकिन अगर defect pituitary gland के level पे आया हुआ है, यानी यहाँ से growth hormone release नहीं हो रहा, हमने बाहर से growth hormone releasing हो, यहाँ से आ रहा है यहाँ से रिलीज नहीं हो रहा, अब हमने बाहर से दिया तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन आ तो रहा है पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है लेकिन यहाँ पे डिफेक्ट है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज हुआ। यानी हमने ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन दिया और पेशेंट ठीक हो गया, इसका मतलब यह है कि डिफेक्ट हाइपोथैलेमिक था। ठीक है, और अगर हमने दिया और पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि डिफेक्ट पिट्यूटरी था। समझ आ गई है ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. At the level of pituitary, there will be no increase in growth hormone following growth hormone releasing hormone administration. जी बच्चों कोई कुछ कह रहा था? Therapeutic uses क्या है इसके? Pulsatile, इसको देते किस fashion में? जिस fashion में ये release होता है उसी fashion में देते हैं। Pulsatile fashion में ये release होता था, उसी तरीके से pulsatile subcutaneous देंगे हम इससे
एवरी 3 आवर्स, ठीक है, स्टिमुलेट कराएगा ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को, जिनमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी और वो पिट्यूटरी ओरिजिन की नहीं होगी, जिनमें पिट्यूटरी ओरिजिन की है उसमें तो ये एक्ट ही नहीं करेगा। आईवी फॉर्म में देंगे, सबक्यूटेनियस या इंट्रानेजल देंगे। सोमेटोस्टैटिन है, ये भी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कराएगा ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को और टीएसएच को फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी, इनहिबिट कराएगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स को, गैस्ट्रिक एसिड्स को और पैनक्रियाटिक सेक्रीशंस को रिड्यूस कराएगा, जिसमें ग्लूकागॉन, इंसुलिन और गैस्ट्रिन आ जाते हैं। थेरापेटिक यूजेस क्या है, सोमेटोस्टैटिन जो है इटसेल्फ, इसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, लेस देन 3 मिनट्स, जिसकी वजह से इसकी अपनी कोई क्लिनिकल वैल्यू नहीं है, बल्कि इसकी जगह एक सिंथेटिक हम यूज करते हैं सोमेटोस्टैटिन, जिसका नाम है ऑप्रियोटाइड। वो क्या करता है, एनालॉग है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्गर है। ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, इसे हम ट्वाइस अ मंथ देते हैं ऑप्रियोटाइड को या लैनप्रियोटाइड को। एक्रोमेगैली के केस में जिनमें एक्सेस हुई है, ये इनहिबिटिंग है ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है, इसमें ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हुई है, हमने कम कराना है। एक्रोमेगैली के केस में, गैस्ट्रिनोमा में, ग्लूकागोनोमा में, अदर एंडोक्राइन ट्यूमर्स में, या एसोफेगल वेरिसेस होंगी जो ब्लीडिंग वाली होंगी उनमें। एडवर्स इफेक्ट्स क्या आ जाएंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टरबेंस आएगी, पोस्टप्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, इसकी वजह से गॉल स्टोन्स भी बन जाते हैं, उसकी क्या रीजन होती है कि बीलियरी फ्लो जो है वो डिक्रीज हुआ होता है और गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन भी कम हुई हुई होती है, इसकी वजह से गॉल स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं, फ्लोचुलेंस होगी और स्टेटोलिया हो जाएगा, ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट आ गया थायराइड प्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इससे जाके एक्ट करना है थायराइड ग्लैंड पे, स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ थायराइड प्रोपिन को टीएसएच को फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में यूज होता है थायराइड के डिसफंक्शन में। प्रोटायरलिन दी जाती है आईवी फॉर्म में। नेक्स्ट आ गया कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है एसीटीएच की और बीटा एंडोर्फिन्स के सेक्रीशन को इंटीरियर पिट्यूटरी से। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है एबनॉर्मलिटीज एसीटीएच की होंगी उस केस में यूज होगा। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है गोनाडोट्रोप सेल्स को ताकि वो रिलीज करें और प्रोड्यूस करें एलएच और एफएसएच। इसमें कौन कौन सी आ जाती है, गोनाडोलिन, बुसेरिलिन और नेफारेलिन। ये क्या करती है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट से सबक्यूटेनियस इंफ्यूजन से दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, वही पल्सेटाइल मैनर में दी जाती है, स्टिमुलेट करवाती है ये ओवुलेशन। अगर हम इसको स्टडी डोज में देंगे तो वो इनहिबिट करा देती है इसके रिलीज को, डाउन रेगुलेशन यानी डिसेंसिटाइजेशन करा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो रिलीज नहीं होता, स्टडी स्टेट में आ जाता है। किस किस में यूज होगी, हाइपोगोनेडल स्टेट्स जो होंगी उनमें यूज होगी या डायग्नोसिस में और उनके ट्रीटमेंट पे, मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में, जो कि सेक्स हार्मोन डिपेंडेंट कंडीशंस होंगी उनमें ये कंटीन्यूअस यूज के लिए देते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट कैंसर में, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स में, एंडोमेट्रियोसिस में और प्रीकॉक्सियस प्यूबर्टी में। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन को डिक्रीज कराना है, डोपामिन एक्ट करता है प्रोलैक्टिन पे, हमने पहले देखा है। होगा क्या कि डोपामिन जो है हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया के केस में एक्ट नहीं करता, लेकिन ब्रोमोग्लिप्टिन जो है और ओरली एक्टिव अर्गो डेरिवेटिव जिसमें कार्बर्गोलिन और पर्गोलिन आती हैं, वो इफेक्टिव होती हैं प्रोलैक्टिन के सेक्रीशन को कम कराने के लिए, ठीक है। एक्रोमेगैली में भी यूज हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या आ जाएगा, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन और साइकियाट्रिक मैनिफेस्टेशन है। ये अगेन पिट्यूटरी हार्मोन्स का दिखाया गया, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं गोनेडोट्रोपिन्स हैं, एफएसएच और एलएच, ओवरीज पे और टेस्टिस पे एक्ट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन है बोन्स पे और टिश्यूज पे एक्ट करता है, प्रोलैक्टिन है मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायराइड पे एक्ट करता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सिटोसिन आता है जो कि मेमोरी ग्लैंड्स पे और स्मूथ मसल्स यूट्रस के जो है उन पे एक्ट करता है, और एंटी डायुरेटिक हार्मोन किडनी के टिब्यूल्स पे एक्ट करता है। समझ आ रही है बच्चों? यस मैम आ रही है। अब हम अलग अलग देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को। अब हम आगे ग्रोथ हार्मोन पे, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो पीछे से आ रहा था वो आ रहा है, अब हम ग्रोथ हार्मोन पे आ रहे हैं। सोमेटोट्रोप सेल्स से बनता है, इसकी सेक्रीशन कंट्रोल हो रही है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और सोमेटोस्टैटिन से। ग्रोथ हार्मोन की सेक्रीशन न्यूबॉर्न्स में बहुत हाई होती है क्योंकि उनमें ग्रोथ होती है, 4 ईयर्स की एज में जाके जो है वो थोड़ी कम होती है, उसके बाद क्या होता है कि इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाती है
और रिलीज होता रहता है अंटिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के लेवल पे आके फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि एडल्ट में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है जो लिवर से रिलीज हो रहा है वो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, क्योंकि उसका सोमेटोस्टेटिन लाइक एक्शन होता है। ग्रोथ हार्मोन कैसे एक्ट कर रहा है, प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स को इंक्रीज कराता है, सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाती है वो मसल टिश्यूज के लिए, इंक्रीज कराता है हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट को, डिक्रीज कराता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को और प्रोटीन एनाबॉलिज्म कराता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी में क्या होगा, जेनेटिक बेसिस पे भी हो सकती है या एक्वायर्ड हो सकती है, यानी पिट्यूटरी का भी ट्यूमर हो सकता है, हाइपोथैलेमस का भी हो सकता है, या किसी इंफेक्शन की वजह से, या सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी की वजह से। अगर बचपन में डेफिशिएंसी हो जाए ग्रोथ हार्मोन की तो शॉर्ट स्टैचर होगा, एडिपोसिटी होगी और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। जबकि अगर एडल्ट्स में होगा यानी कि ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हुई है तो उस केस में क्या होगा, जनरलाइज्ड ओबेसिटी हो जाएगी और रिड्यूस्ड मसल मास हो जाएगा। एक्सेस में क्या होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो गई है वो किस केस में होती है, यानी कि ज्यादा रिलीज हो गया है, मेनली पिट्यूटरी ट्यूमर के केस में होता है। एडल्ट्स में होगा तो एक्रोमेगेली कॉज हो जाएगी, और अगर एपिफाइसिस क्लोज होने से पहले हो गई है एक्सेस ग्रोथ हार्मोन की तो वो फिर जाइगेंटिज्म हो जाएगी, यानी कि बहुत ही जायंट ह्यूमन बन जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, सिंथेटिक सोमेटोस्टैटिन देते हैं ताकि उसके रिलीज को कम करवाए, डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं ताकि कम कराए रिलीज को, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं या रेडियोथेरेपी करते हैं ट्यूमर की, या फिर ग्रोथ हार्मोन के एंटागोनिस्ट देते हैं जिसमें पैक्टोसोमाइड आता है। एक्सेस हो जाएगी तो जाइगेंटिज्म होगा, और लैक होगा तो फिर ड्वार्फिज्म हो जाएगा, यानी एक ही हाइट बहुत बड़ी और एक ही छोटी हो गई है एक केस में। क्लिनिकल यूजेस क्या है ग्रोथ हार्मोन के, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी चिल्ड्रन और एडल्ट्स में हो सकती है। चिल्ड्रन में होगी तो शॉर्ट स्टेचर होगा, उसमें क्या हो सकता है, इडियोपैथिक हो सकती है, शॉर्ट स्टेचर होगा, टर्नर सिंड्रोम की वजह से भी हो सकती है और क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से भी। एडवर्स इफेक्ट्स क्या आएंगे, सोमेटोट्रोपिन के, हाइपोथायरॉयडिज्म, पैंक्रियाटाइटिस, गायनेकोमेस्टिया, अगर बहुत ज्यादा यूज कर लिया जाएगा, मतलब किसी का अगर छोटा है और उसने सोमेटोट्रोपिन यूज करना शुरू कर दिया ताकि मेरा जो है वो हाइट इंक्रीज हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि अब्यूसिव यूज हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा यूज कर लिया, तो उसमें सुपर स्पोर्ट्स पीपल वो हाईली हाइपर एक्टिव होंगे, उनमें मसल मास ज्यादा होगा, ऐसे जो है वो चीज बन जाएगी। नेक्स्ट हम आ गए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे, इसे हम थायरोट्रोपिन भी कहते हैं, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। इसके क्या यूजेस है, जिनमें हमने थायराइड कार्सिनोमा का केस था उसमें हमने थायराइड रिमूव किया है, अब हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देते हैं जिससे हमें टेस्ट हो जाता है कि थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है कि नहीं होता, हमने उसे स्टिमुलेट किया अब वो रिलीज हुआ या नहीं हुआ, ये चेक हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, T3 और T4 दोनों जो है वो थायरोक्सिन बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन जो है उसके उससे डिसोसिएट हो जाए। अब होता क्या है कि या तो ये अच्छा इनकी एंट्री डिफ्यूजन से होती है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है, T4 जो है ना वो भी T3 में कन्वर्ट होता है और फिर वो जाके अटैच होता है रिसेप्टर्स पे, यानी कि जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो T3 है। अब इनकी जो एक्टिवेशन है वो प्रमोट करती है आरएनए की फॉर्मेशन को, और फिर वो आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है T4 के इफेक्ट्स के लिए। समझ आई है? यस मैम। होगा क्या कि T3 और T4 जो है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी दी उसी से अब्सॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन अगर फूड में कैल्शियम प्रिपरेशंस हैं, एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटी एसिड्स हैं तो वो इसकी एब्जॉर्प्शन को T4 की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जो हार्मोन ये मेटाबोलाइज किससे हो रहे हैं, P450 सिस्टम से, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि P450 सिस्टम से इनका मेटाबॉलिज्म होता है, और अगर हमने इनका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कराना है तो हम ऐसे ड्रग्स देंगे जो P450 सिस्टम को एक्सेलरेट कर देंगी ताकि इनका मेटाबॉलिज्म हो जाए। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में थायराइड हार्मोन कम है, इस केस में क्या होता है, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हुई होती है ग्लैंड की, या फिर पेरोक्सिडेज होते हैं, और वो हमें कैसे पता चलेगा कि TSH ज्यादा है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ज्यादा है लेकिन थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इफेक्ट नहीं आ रहा। इसके लिए हम लिवोथायरॉक्सिन देते हैं यानी T4,
ये वंस डेली देते हैं क्योंकि इसकी हाफ लाइफ लॉन्ग है और 6 से 8 इसको के लिए देते हैं। टॉक्सिसिटी T4 से क्या हो सकती है? नर्वसनेस, हार्ट पल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया, इंटॉलरेंस टू हीट और वेट लॉस हो सकता है। अब आ गया हाइपरथायरॉयडिज्म का केस, यानी कि ज्यादा हो गई, ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस हो गया, इसमें ग्रेव्स डिजीज हो सकती है, टॉक्सिक एडिनोमा या फिर गोइटर हो सकता है। इसमें क्या करेंगे, हम थायराइड का पार्ट ही रिमूव कर देंगे थोड़ा सा, लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा इसको टच किया था। थायराइड स्टॉन्ग के केस में आयोडीन ब्लॉकर्स देंगे जो कि इसकी एक्टिविटी को कम कर देंगे, जैसे कि प्रोपेनालोल, ठीक है, या फिर हम इनहिबिशन कराएंगे थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस की। नेक्स्ट आ गया ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन, ये स्टिमुलेट करता है कॉर्टिसोल की सिक्रीशन को एड्रेनल कॉर्टेक्स से और प्रमोट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स की ग्रोथ को। ये किस लिए यूज हो सकता है, कॉर्टिसोल की सिक्रीशन जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसकी कैपेसिटी को चेक करने के लिए कि कितनी कितने सेक्रेट करेगा। आगे आ गए हम FSH पे, FSH क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मेल और फीमेल दोनों में एक्ट करता है। फीमेल में क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्रो करवाएगा, डेवलप करवाएगा, प्रमोट करेगा एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को, मेल्स में स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए होगा। इसकी 3 प्रिपरेशन अवेलेबल होती है, यूरोपॉलीट्रोपिन, पॉलीट्रोपिन अल्फा एंड पॉलीट्रोपिन बीटा। यूरोपॉलीट्रोपिन जो है वो हमने पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन की यूरिन से प्यूरिफाई फॉर्म ली है, जबकि जो पॉलीट्रोपिन अल्फा और बीटा है ये रिकॉम्बिनेंट फॉर्म्स है और ये मुख्तलिफ ड्रग्स के साथ मिला के यूज होती है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। HMG है, SMG के इंजेक्शन को क्या करेंगे हम, ये देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 12 डेज, किस केस में, ओवेरियन फॉलिकुलर ग्रोथ और मैच्योरेशन कराने के लिए। HCG के इंजेक्शन से क्या हो गया, ओवुलेशन अकर होगी, मेन में जिनमें गोनेडोट्रोपिन का लैप होगा उसमें भी हम HCG देंगे, उससे क्या होगा एक्सटर्नल सेक्शुअल मैच्योरेशन होगी, और अगर बाद में HCG के साथ हमने इंजेक्शन दिया HMG का तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी। लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या आते हैं, ओवरीज की एनलार्जमेंट ज्यादा हो सकती है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, मल्टीपल बर्ड्स हो सकती है और मेन में गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो सकता है। यूटिलाइजिंग हार्मोन आ गया, फीमेल्स में क्या करेगा, ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करवाता है ओवरी में और ओवेरियन सेक्रेशन कराता है, ओवेरियन सेक्रेशन जो है फीमेल सेक्स हार्मोन्स की उसको भी रेगुलेट करता है, जबकि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट करवाता है। ल्यूट्रोपिन अल्फा है, ये किसके यूज होते हैं, हम फॉलीट्रोपिन अल्फा के साथ यूज करते हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को इंक्रीज कराता है ये इनफर्टाइल वुमेन में जिनमें ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी। प्रोलैक्टिन आ गया, प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है, ये प्रेगनेंसी में खासतौर पे इसकी अमाउंट इंक्रीज होती है, इसकी इसकी जो सिक्रीशन है वो एस्ट्रोजन से कंट्रोल हो रही है। फीमेल में क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट को और मिल्क प्रोडक्शन, जबकि मेल्स में टेस्टिकुलर फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। जो प्रोलैक्टिन डेफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कोई प्रिपरेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया का केस है यानी कि अमाउंट ज्यादा है उस केस में इसको इनहिबिट कराने के लिए क्या करते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं जो कि जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं और प्रोलैक्टिन के रिलीज को स्टॉप करवा देते हैं। आगे आ गए पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स में 2 थे, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन क्या आते हैं, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है, ट्रांसपोर्ट होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है, करता क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है और लेबर को इंड्यूस कराता है, इसके अलावा रिलीज ऑफ मिल्क की इंडक्शन कराता है। होता क्या है कि सकलिंग बेबी जब करता है तो मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस को, वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और फिर वो मिल्क ग्लैंड्स को सिग्नल सेंड करता है और वहां से फिर रिलीज हो जाता है। क्लिनिकल यूजेस क्या है, ऑक्सीटोसिन के IV फॉर्म में या IM देते हैं लेबर को इंड्यूस कराने के लिए या फिर पोस्टमार्टम ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट्स में क्या आ जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस में आ सकता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है और एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है। जल्दी से खत्म करने आसान हो रही है। वैसोप्रेसिन है एंटीडायुरेटिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज हुआ, ट्रांसपोर्ट होकर पिट्यूटरी पिट्यूटरी में आया, इसका क्या फंक्शन होता है, वाटर को कंजर्व कराता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ADH की अमाउंट ज्यादा होगी तो ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब होगा और कम एक्सक्रीट होगा, जबकि ADH की अमाउंट कम होगी तो ज्यादा वाटर यूरिन में चला जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। ADH अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो ADH क्या करेगा, ADH का रिलीज इंक्रीज कराएगा और जो है वो वैसे की कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कराएगा ताकि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करें। ये चीज हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं ADH का जो इफेक्ट था।
क्लेविकुलरिस क्या है, डायबिटीज इन स्पिडस के केस में इसमें क्या होगा, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगा ताकि वो कम उसको डाइल्यूट कर सके। नॉक्टर्नल एनुरेसिस के केस में हाइपोनेट्रेमिया और सीजर्स इससे कॉज हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। सिंथेटिक ड्रग्स कौन कौन सी है, वेजोप्रेसिन है और डेस्मोप्रेसिन है। अगेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का दिखाया, हाइपोथैलेमस से हार्मोन वन रिलीज हुआ जो कि रिलीजिंग हार्मोन था, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, वहां से दूसरा हार्मोन रिलीज हुआ जिसने आपके टारगेट ग्लैंड पे एक्ट किया और उसने फिर हार्मोन थ्री रिलीज किया। जो हार्मोन थ्री है या तो एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा ताकि इनहिबिट करे या रिलीज करे हार्मोन टू, या फिर वो सिग्नल डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को भेजेगा कि वो इनहिबिट करे या रिलीज करे। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम, आ गई। बेटा कोई चीज जो नहीं समझ में आई भी प्लीज आप लोग पढ़ लें, मुझसे पूछ लें, साथ साथ पढ़ते रहे ताकि आप लोगों को आता रहे। ठीक है, चले आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।